नमन उस वक्त अपने कमरे में बेखबर सोया था। जो दूध पूर्णिमा उसे देती थी उसकी वजह से उसे बहुत गहरी नींद आती थी। मिश्रा जी को मारकर पूर्णिमा ने उनकी लाश एक पेड़ की टहनी पर टांग दी थी और फिर चुपचाप घर जाकर अपने कमरे में सो गई। सुबह जब नमन की आंख खुली तो उसे पूर्णिमा का ख्याल आया। पता नहीं वो जागी होगी या नहीं, कहकर वो उठकर बैठ जाता है। तभी उसने देखा कि दरवाजा खुला है और पूर्णिमा अपने हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए उसके कमरे में दाखिल होती है। ये देखकर उसे अजीब लगा क्योंकि उसने सोचा था कि अभी वो अपने परिवार को खोने के गम में डूबी होगी, लेकिन वो नॉर्मल नजर आ रही थी। ये लीजिए, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। उसने नाश्ते की प्लेट उसके सामने रख दी और खुद स्टूल पर बेड के बराबर में बैठ गई। प्लेट में दो पराठे, सैंडविच और एक कप चाय थी और एक प्याला था जिसमें कोई सूप था। सॉरी, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया था, आपने नाश्ता किया है? अगर नहीं किया है तो मेरे साथ ही कर लीजिए। मैंने सुबह पूजा के बाद ही नाश्ता कर लिया था, अब ये सब आपके लिए है। बहुत अच्छा नाश्ता था, शुक्रिया। नाश्ता करने के बाद नमन बोला। पूर्णिमा ने देखा कि नमन ने सूप नहीं पिया है। अरे, आपने ये चिकन सूप क्यों नहीं पिया? चिकन सूप? सुबह सुबह नॉनवेज तो मैं वैसे भी नहीं खाता और इतने नाश्ते से मेरा पेट भर चुका है। ये नाश्ते का हिस्सा नहीं है, मारका देव का प्रसाद है, ये आपको लेना ही होगा वरना मेरी पूजा भंग हो जाएगी। सुनकर नमन को बहुत अजीब लगा। उसने सोचा, भला नॉनवेज कैसे किसी देवता का प्रसाद हो सकता है? लेकिन वो उस शर्त में फंसा था, इसलिए बिना सवाल पूछे उसने चिकन सूप पी लिया। नमन के दफ्तर जाने से पहले पूर्णिमा ने उसका लंच बॉक्स भी पैक कर दिया था। अब यही रूटीन रोजाना का बन चुका था। रात को बेहोशी वाला दूध और सुबह चिकन सूप, उसे रोजाना लेना पड़ता था। पूर्णिमा रोजाना रात के 2 बजे उसके सोने के बाद कहीं जाती थी, जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी खबर नहीं था। कई दिन गुजर चुके थे। एक दिन नमन हॉल में सोफे पर बैठा काफी देर से किसी से बातें कर रहा था। वो कोई लड़की थी। जब उसने बात करके कॉल कट किया तो पूर्णिमा उसके सामने बैठी और पूछने लगी, किसका कॉल था? बड़ी देर लग गई आपको। मेरी छोटी बहन नेहा का कॉल था। 2 साल हो गए उसे मिले हुए, इसीलिए 2 दिन के लिए वो यहाँ आ रही है। तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? भला मुझे कोई परेशानी कैसे हो सकती है, ये उसका ही घर है। अगले दिन नमन की बहन नेहा घर पर आई। उससे मिलने के बाद नमन ने उसे पूर्णिमा से मिलवाया। फिर उन तीनों ने आपस में गुफ्तगु की। डिनर के बाद रोजाना की तरह 11 बजते ही पूर्णिमा अपने कमरे में जाकर पूजा करने लगी। जब नेहा ने ये देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो पैरानॉर्मल सोसाइटी के लिए स्टडी कर रही थी, इसीलिए उसे ये सब देखकर शक हो रहा था। वो चुपचाप नमन के कमरे में गई और उससे पूछा, भैया, ये पूर्णिमा आपको कहाँ मिली थी और आपने उसे यहाँ क्यों रखा है? मुझे पूरी बात जाननी है। नमन ने देखा कि नेहा के चेहरे पर परेशानी सी नजर आ रही है। उसने पूर्णिमा के बारे में नेहा को सब कुछ बता दिया और उसकी शर्त के बारे में भी। भैया, आपको पता नहीं आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। मैं पैरानॉर्मल स्टडीज कर रही हूँ। पैरानॉर्मल साइंस के हिसाब से जो भी वो कर रही है वो कर्ण पिशाचिनी बनने की साधना है। ये तुम क्या कह रही हो? मारका देव शैतानों के देवता को माना जाता है। कोई स्त्री अगर कर्ण पिशाचिनी बनना चाहती है तो उसे एक पुरुष के साथ एक ही घर में 65 दिनों तक रहना होता है और रात को मारका देव की पूजा का दूध उसे देकर मारका देव को एक मुर्गे की बलि देनी होती है। अब सुबह उसे उस मुर्गे का मीट खिलाना होता है। 65 दिन पूरे होने के बाद वो आपकी बलि मारका देव को दे देगी और पूरी तरह से कर्ण पिशाचिनी बन जाएगी। नमन ये सुनकर हक्का बक्का हो गया और बोला, इसका मतलब है कि जो चिकन सूप वो मुझे देती है वो उसी मुर्गे की बलि का होता है? भैया, आप चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बस आप वैसा ही करिए जैसा कि मैं आपसे कहूँ। नेहा ने उसे समझाया कि जब पूर्णिमा उसे दूध पीने के लिए देगी तो वो उसे पिए नहीं और पूरी रात उस पर नजर रखे। पूर्णिमा को ये इल्म नहीं होना चाहिए कि उसने दूध नहीं पिया है। उसे समझाकर नेहा अपने कमरे में चली गई। नमन के रूम में जब पूर्णिमा दूध लेकर गई तब नमन ने कहा कि अभी उसका मन नहीं है, वो थोड़ी देर बाद पी लेगा। सुनकर पूर्णिमा ने दूध का ग्लास स्टूल पर रख दिया और रूम से बाहर चली गई। रात के 2 बजे पहले पूर्णिमा ने नेहा के रूम में देखा।
तो वो सोती हुई नजर आई। उसके बाद उसने नमन के रूम में देखा तो देखा कि नमन भी बेखबर सो रहा था और दूध का खाली ग्लास स्टूल पर रखा है। उसने मुस्कुराकर दरवाजा बंद कर दिया और फ्लैट से बाहर की ओर चली गई। नमन जल्दी से उठकर नेहा के कमरे में गया और वो भी सोने का नाटक कर रही थी। असल में नमन ने दूध को फेंक कर खाली ग्लास स्टूल पर रख दिया था, जिससे पूर्णिमा को लगा कि उसने दूध पी लिया है। अब वो दोनों दबे पांव उसके पीछे हो लिए। पूर्णिमा जंगल में उसी जगह पहुंची जहां उसने मिश्रा जी को मारा था। उसके हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स था। पूर्णिमा एक पेड़ के पास जाकर रुकी जहां बहुत से कौवे काए काए करके उड़ रहे थे। नेहा और नमन थोड़ी ही दूर एक पेड़ के पास छुपकर सब कुछ देखने लगे। पूर्णिमा के हाथ में जो बक्सा था उसने उसे खोला। उसमें एक मुर्गा था जिसे उसने बाहर निकाला। दूसरे हाथ में एक चाकू था। मार्का देव, बलि स्वीकार कीजिए। भैया, यही मौका है। नेहा का इशारा मिलते ही नमन पूर्णिमा की तरफ भागा। पूर्णिमा भी नेहा की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। नमन ने पूर्णिमा को पकड़ा और उसके हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर गया, लेकिन वो मुर्गे को अभी तक नहीं छोड़ रही थी। नेहा ने सूखे हुए पत्तों को इकट्ठा करके लाइटर से उनमें आग लगा दी। भैया, उस मुर्गे की बलि होने से पहले उसे इस आग में जला दो, इसकी तपस्या भंग हो जाएगी। सुनकर नमन ने उससे मुर्गा छीनना चाहा तो उसने नमन का गला पकड़ लिया। नेहा पास गई और नमन को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पूर्णिमा ने उसका भी गला पकड़ लिया। तुम लोग मेरी तपस्या को भंग नहीं कर सकते। पूर्णिमा ने इस समय एक बहुत ही भयानक रूप ले लिया था, फिर भी नमन ने एक झटके से मुर्गे को उसके हाथ से छीन कर आग में फेंक दिया। पूर्णिमा ने ये देख कर फौरन उन दोनों को छोड़ दिया और फिर मुर्गे को बचाने के चक्कर में आग में कूद पड़ी। वो मुर्गे को तो बचा नहीं पाई और खुद भी जल कर इधर उधर फड़फड़ाने लगी। मैं वापस जरूर आऊंगी, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैं वापस आऊंगी। इतना कहकर वो जमीन पर गिर कर थोड़ी और देर तक तड़पती रही, फिर उसने वही दम तोड़ दिया। दोनों भाई बहन ने भगवान का शुक्र अदा किया और अपने घर को लौट आए। नमन उस वक्त अपने कमरे में बेखबर सोया था। जो दूध पूर्णिमा उसे देती थी उसकी वजह से उसे बहुत गहरी नींद आती थी। मिश्रा जी को मारकर पूर्णिमा ने उनकी लाश एक पेड़ की टहनी पर टांग दी थी और फिर चुपचाप घर जाकर अपने कमरे में सो गई। सुबह जब नमन की आंख खुली तो उसे पूर्णिमा का ख्याल आया। पता नहीं वो जागी होगी या नहीं, कहकर वो उठकर बैठ जाता है। तभी उसने देखा कि दरवाजा खुला है और पूर्णिमा अपने हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए उसके कमरे में दाखिल होती है। ये देखकर उसे अजीब लगा क्योंकि उसने सोचा था कि अभी वो अपने परिवार को खोने के गम में डूबी होगी, लेकिन वो नॉर्मल नजर आ रही थी। ये लीजिए, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। उसने नाश्ते की प्लेट उसके सामने रख दी और खुद स्टूल पर बेड के बराबर में बैठ गई। प्लेट में दो पराठे, सैंडविच और एक कप चाय थी और एक प्याला था जिसमें कोई सूप था। सॉरी, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया था, आपने नाश्ता किया है? अगर नहीं किया है तो मेरे साथ ही कर लीजिए। मैंने सुबह पूजा के बाद ही नाश्ता कर लिया था, अब ये सब आपके लिए है। बहुत अच्छा नाश्ता था, शुक्रिया। नाश्ता करने के बाद नमन बोला। पूर्णिमा ने देखा कि नमन ने सूप नहीं पिया है। अरे, आपने ये चिकन सूप क्यों नहीं पिया? चिकन सूप? सुबह सुबह नॉनवेज तो मैं वैसे भी नहीं खाता और इतने नाश्ते से मेरा पेट भर चुका है। ये नाश्ते का हिस्सा नहीं है, मार्का देव का प्रसाद है, ये आपको लेना ही होगा वरना मेरी पूजा भंग हो जाएगी। सुनकर नमन को बहुत अजीब लगा। उसने सोचा, भला नॉनवेज कैसे किसी देवता का प्रसाद हो सकता है, लेकिन वो उस शर्त में फंसा था, इसलिए बिना सवाल पूछे उसने चिकन सूप पी लिया। नमन के दफ्तर जाने से पहले पूर्णिमा ने उसका लंच बॉक्स भी पैक कर दिया था। अब यही रूटीन रोजाना का बन चुका था, रात को बेहोशी वाला दूध और सुबह चिकन सूप, उसे रोजाना लेना पड़ता था। पूर्णिमा रोजाना रात के 2 बजे उसके सोने के बाद कहीं जाती थी जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी खबर नहीं था। कई दिन गुजर चुके थे। एक दिन नमन हॉल में सोफे पर बैठा काफी देर से किसी से बातें कर रहा था। वो कोई लड़की थी
जब उसने बात करके कॉल कट किया तो पूर्णिमा उसके सामने बैठी और पूछने लगी, किसका कॉल था? बड़ी देर लग गई आपको। मेरी छोटी बहन नेहा का कॉल था, 2 साल हो गए उसे मिले हुए, इसीलिए 2 दिन के लिए वो यहाँ आ रही है। तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? भला मुझे कोई परेशानी कैसे हो सकती है, ये उसका ही घर है। अगले दिन नमन की बहन नेहा घर पर आई। उससे मिलने के बाद नमन ने उसे पूर्णिमा से मिलवाया। फिर उन तीनों ने आपस में गुफ्तगू की। डिनर के बाद रोजाना की तरह 11 बजते ही पूर्णिमा अपने कमरे में जाकर पूजा करने लगी। जब नेहा ने ये देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो पैरानॉर्मल सोसाइटी के लिए स्टडी कर रही थी, इसीलिए उसे ये सब देखकर शक हो रहा था। वो चुपचाप नमन के कमरे में गई और उससे पूछा, भैया ये पूर्णिमा आपको कहाँ मिली थी और आपने उसे यहाँ क्यों रखा है? मुझे पूरी बात जाननी है। नमन ने देखा कि नेहा के चेहरे पर परेशानी सी नजर आ रही है। उसने पूर्णिमा के बारे में नेहा को सब कुछ बता दिया और उसकी शर्त के बारे में भी। भैया आपको पता नहीं आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। मैं पैरानॉर्मल स्टडीज कर रही हूँ। पैरानॉर्मल साइंस के हिसाब से जो भी वो कर रही है वो कर्ण पिशाचिनी बनने की साधना है। ये तुम क्या कह रही हो? मार का देव शैतानों के देवता को माना जाता है। कोई स्त्री अगर कर्ण पिशाचिनी बनना चाहती है तो उसे एक पुरुष के साथ एक ही घर में 65 दिनों तक रहना होता है और रात को मार का देव की पूजा का दूध उसे देकर मार का देव को एक मुर्गे की बलि देनी होती है। अब सुबह उसे उस मुर्गे का मीट खिलाना होता है। 65 दिन पूरे होने के बाद वो आपकी बलि मार का देव को दे देगी और पूरी तरह से कर्ण पिशाचिनी बन जाएगी। नमन ये सुनकर हक्का बक्का हो गया और बोला, इसका मतलब है कि जो चिकन सूप वो मुझे देती है वो उसी मुर्गे की बलि का होता है? भैया आप चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बस आप वैसा ही करिए जैसा कि मैं आपसे कहूँ। नेहा ने उसे समझाया कि जब पूर्णिमा उसे दूध पीने के लिए देगी तो वो उसे पिए नहीं और पूरी रात उस पर नजर रखे। पूर्णिमा को ये इल्म नहीं होना चाहिए कि उसने दूध नहीं पिया है। उसे समझाकर नेहा अपने कमरे में चली गई। नमन के रूम में जब पूर्णिमा दूध लेकर गई तब नमन ने कहा कि अभी उसका मन नहीं है, वो थोड़ी देर बाद पी लेगा। सुनकर पूर्णिमा ने दूध का ग्लास स्टूल पर रख दिया और रूम से बाहर चली गई। रात के 2 बजे पहले पूर्णिमा ने नेहा के रूम में देखा तो वो सोती हुई नजर आई। उसके बाद उसने नमन के रूम में देखा तो देखा कि नमन भी बेखबर सो रहा था और दूध का खाली ग्लास स्टूल पर रखा है। उसने मुस्कुराकर दरवाजा बंद कर दिया और फ्लैट से बाहर की ओर चली गई। नमन जल्दी से उठकर नेहा के कमरे में गया और वो भी सोने का नाटक कर रही थी। असल में नमन ने दूध को फेंक कर खाली ग्लास स्टूल पर रख दिया था, जिससे पूर्णिमा को लगा कि उसने दूध पी लिया है। अब वो दोनों दबे पांव उसके पीछे हो लिए। पूर्णिमा जंगल में उसी जगह पहुंची जहां उसने मिश्रा जी को मारा था। उसके हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स था। पूर्णिमा एक पेड़ के पास जाकर रुकी जहां बहुत से कौवे काए काए करके उड़ रहे थे। नेहा और नमन थोड़ी ही दूर एक पेड़ के पास छुपकर सब कुछ देखने लगे। पूर्णिमा के हाथ में जो बक्सा था उसने उसे खोला, उसमें एक मुर्गा था जिसे उसने बाहर निकाला। दूसरे हाथ में एक चाकू था। मार का देव, बलि स्वीकार कीजिए। भैया यही मौका है। नेहा का इशारा मिलते ही नमन पूर्णिमा की तरफ भागा। पूर्णिमा भी नेहा की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। नमन ने पूर्णिमा को पकड़ा और उसके हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर गया, लेकिन वो मुर्गे को अभी तक नहीं छोड़ रही थी। नेहा ने सूखे हुए पत्तों को इकट्ठा करके लाइटर से उनमें आग लगा दी। भैया उस मुर्गे की बलि होने से पहले उसे इस आग में जला दो, इसकी तपस्या भंग हो जाएगी। सुनकर नमन ने उससे मुर्गा छीनना चाहा तो उसने नमन का गला पकड़ लिया। नेहा पास गई और नमन को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पूर्णिमा ने उसका भी गला पकड़ लिया। तुम लोग मेरी तपस्या को भंग नहीं कर सकते। पूर्णिमा ने इस समय एक बहुत ही भयानक रूप ले लिया था, फिर भी नमन ने एक झटके से मुर्गे को उसके हाथ से छीन कर आग में फेंक दिया। पूर्णिमा ने ये देख कर फौरन उन दोनों को छोड़ दिया और फिर मुर्गे को बचाने के चक्कर में आग में कूद पड़ी। वो मुर्गे को तो बचा नहीं पाई और खुद भी जलकर इधर उधर फड़फड़ाने लगी। मैं वापस जरूर आऊंगी, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैं वापस आऊंगी।
इतना कहकर वो जमीन पर गिरकर थोड़ी और देर तक तड़पती रही, फिर उसने वही दम तोड़ दिया। दोनों भाई बहन ने भगवान का शुक्र अदा किया और अपने घर को लौट आए।